कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में एक बहुत बड़ा खुलासा। आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल की चिट्ठी सामने आई है। जी हां, लड़की की हत्या, वहां निर्माण को तोड़ने के लिए चिट्ठी है। सेमिनार हॉल के पास टॉयलेट को तोड़ने के लिए चिट्ठी। मर्डर के दूसरे दिन ही प्रिंसिपल ने ये चिट्ठी लिखी थी। तुरंत निर्माण को हटाने के लिए चिट्ठी लिखी गई थी। ये चिट्ठी हम आपके सामने दिखा रहे हैं आपको, यही वो चिट्ठी है। सेमिनार हॉल के पास टॉयलेट तोड़ने की ये चिट्ठी है और मर्डर के अगले ही दिन तुरंत निर्माण को हटाने के लिए पत्र लिखा गया था। तो तुरंत निर्माण को हटाया जाए, ये पत्र लिखा गया था। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ है और आइए आपको वो चिट्ठी दिखाते हैं विस्तार से। टॉयलेट्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ आरजीकर हॉस्पिटल कोलकाता ऑन अर्जेंट बेसिस। You are hereby requested to do the needful immediately as per demand of resident doctors of RG Hospital. ये साफ तौर पर चिट्ठी बता रही है कि अगले ही दिन आदेश दिए गए सेमिनार हॉल के पास टॉयलेट को हटा, जो निर्माण कार्य चल रहा था उसे हटाने के आदेश दिए गए। इसमें आप ये देखिए डॉक्टर्स रूम, ये देखिए ड्यूटी डॉक्टर्स रूम। इन शब्दों को अगर आप गौर से देखेंगे तो इन शब्दों में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किस तरह से ये आदेश दिए गए। जो रेनोवेशन या रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स रूम के पास में, ये रेनोवेशन को तुरंत बंद कराया जाना चाहिए। ऑल डिपार्टमेंट्स, ये कहा गया है इसमें। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट देयर आर डेफिशिएंसी ऑफ ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स ड्यूटी, जो डॉक्टर्स ड्यूटी पर थे यहाँ पे डेफिशिएंसी है। और जो सेपरेट टॉयलेट को बनाने की कोशिश थी या अटैच टॉयलेट थी, इनको अर्जेंट बेसिस पे, ये देख रहे हैं आप, ये अर्जेंट बेसिस पे आनन फानन में ये फैसला लिया गया। और मर्डर के अगले दिन, जिस दिन हत्या हुई उसके अगले दिन ये आदेश दिया गया, नीडफुल इमीडिएटली, यानी जो जरूरत है इसका आदेश का पालन इमीडिएटली हो, यानी जल्द से जल्द हो, तुरंत इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये साफ तौर पर चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं और ये इसमें ये भी लिखा है द इशू इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, यानी जो सेमिनार हॉल के सामने जो टॉयलेट था जिसका निर्माण कराया जा रहा था, उसमें निर्माण कार्य चल रहा था, ये बात उजागर हुई कि निर्माण कार्य चल रहा था वहां पर सेमिनार हॉल के पास में, और उसके बाद इसे रुकवाने की कवायद हुई। और वो चिट्ठी में साफ साफ लिखा है इमीडिएटली इसका एक्शन लेना जरूरी है। तो ये देखिए, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इसी चिट्ठी की, जिसमें ये जो प्रिंसिपल के जरिए ये आदेश दिए गए। इसमें हम जो शब्दों का आपको बता रहे हैं, गोल घेरे में जो आप देख रहे हैं, डॉक्टर्स रूम, यानी ये लापरवाहियां थी एक सेमिनार हॉल में, और जिस तरह से जो निर्माण कार्य चल रहा था डॉक्टर्स ड्यूटी के दौरान, ये सवाल उठाता है। ये तो बताता है कि जांच करने के लिए कहा गया और निर्माण कार्य रुकवाने के लिए कहा गया, लेकिन ये गलतियां भी या लापरवाहियां भी उजागर करता है इस केस में, जो ये बताता है कि निर्माण कार्य चल रहा था डॉक्टर्स ड्यूटी के दौरान। ये एक्सक्लूसिव चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेप और मर्डर हुआ, ये दर्दनाक मामला सामने आया, बेरहमी से हत्या की गई, वहीं पर ही मरम्मत का काम चल रहा था, एक टॉयलेट की मरम्मत का काम, लेकिन क्यों चल रहा था, सवाल ये है, डॉक्टर्स ड्यूटी के दौरान क्यों चल रहा था, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल उजागर करती है चिट्ठी, जो कि आदेश तो दिए गए कि निर्माण कार्य रोक दे, इससे पहले क्यों नहीं कहा गया था, इस बात को क्यों नहीं समझा गया कि यहां पर डॉक्टर्स ड्यूटी पर रहते हैं और वहां निर्माण कार्य हो रहा है। ये एक बड़े सवाल खड़े करती है चिट्ठी। और फिर जब मर्डर हो जाता है, जब बड़ी लापरवाही उजागर हो जाती है आरजीकर अस्पताल में, मर्डर हो जाता है सेमिनार हॉल में, उसके बाद कहा जाता है कि अब निर्माण कार्य रुकवा दीजिए, ये मरम्मत क्यों हो रही थी, सवाल ये खड़े किए जाते जा रहे हैं। और चिट्ठी के जरिए इस बात की पुष्टि होती है कि मरम्मत हो रही थी और मर्डर के बाद निर्माण कार्य रुकवाया गया। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस जगह पर रेप और मर्डर हुआ, ये जघन्य अपराध हुआ, उसी जगह पर निर्माण कार्य चल रहा था। और वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, वो भली भांति तस्वीरें, और उसके बाद वो चिट्ठी भी दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुमार कुंदन भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और रविशंकर दत्ता भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले रविशंकर दत्ता, मैं आपके पास आ रही हूं। ये चिट्ठी दरअसल इस बात को उजागर करती है कि मर्डर के अगले दिन आदेश दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर मरम्मत का काम जारी था और एक बड़ी लापरवाही को ये सामने लाता है, एक बड़ा खुलासा है।
रविशंकर दत्ता जी बताएं जी, ये एक बहुत बड़ा खुलासा है रवि जो सामने आया है। ये चिट्ठी सामने आ गई है प्रिंसिपल की कि मर्डर के अगले दिन निर्माण कार्य को रुकवाया गया, पहले से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। देखिए यहाँ पे समझने में कुछ गलती हो रहा है, जो काम वहाँ पे हो रहा था उसको रुकवाने के लिए नहीं, उसको करने के लिए बोला गया था। चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि 10 तारीख को जितने भी सारे डॉक्टर्स रूम है, ये जितना सारा ऑल क्यू लिखा हुआ है या अर्जेंट बेसिस पे ऑल डॉक्टर्स रूम के जो टॉयलेट्स है उनको आपको रिनोवेशन करना है, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि सेमिनार रूम, जिस फ्लोर में मर्डर हुआ था, सेमिनार रूम और डॉक्टर्स रूम के बीच में जो बाथरूम है उसका रिनोवेशन करवाना था, लेकिन एक करवाते तो सबको वहाँ पर संदेह होता। तो इसीलिए अगले दिन, जिस दिन मर्डर हुआ, अगले दिन सारे डॉक्टर्स रूम और बाकी के जो रूम है उनका जो बाथरूम है उसको यहाँ पे रिनोवेशन करने के लिए कहा गया, अर्जेंट बेसिस पे करने के लिए कहा गया। यहाँ पे कुछ समझने की गलती हो रहा है, इसको रोका नहीं जाने, मतलब ऐसा नहीं कि पहले से हो रहा था आप उसको रोक दो, ऐसा नहीं कहा गया, कुछ हो नहीं रहा था अब करो उसको, ये ऐसा उसको यहाँ पे बोला गया चिट्ठी में। तो और चिट्ठी में ये कहा गया तो इमीडिएट रिनोवेशन की जरूरत है जी। रवि एक बात और करिए आप स्पष्ट, आप बता रहे हैं कि रेनोवेशन किया जाना था, हटाने के लिए नहीं कहा गया, यानी क्या कुछ मिटाने की सबूत मिटाने की कोशिश हो रही थी जो एकदम से आदेश दिए गए कि रेनोवेशन होना चाहिए? देखिए टीवी 9 भारतवर्ष पहला चैनल है जिन्होंने दिखाया था कि ऐसा जहाँ पे 9 तारीख को आपका मर्डर हुआ है अगले दिन वहाँ पे रेनोवेशन शुरू हुआ है, उसका विजुअल्स हम दिखाए थे। तो यहाँ पे सवाल उसी के लिए उठ रहा है कि ऐसा कौन सी ज़रूरत आ गई थी कि वहाँ पे आपको रेनोवेशन करना था, और क्योंकि यहाँ पे सबूत मिटाने के बात ही सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि सारे डॉक्टर्स रूम के लिए ऑर्डर दिए गए थे, बाथरूम जो है उसके लिए ऑर्डर दिए गए थे, एक के लिए नहीं, वो बचने के लिए अर्जेंट बेसिस पे ऑल डॉक्टर रूम्स बाथरूम को रेनोवेशन करना है ऐसा बोला गया। लेकिन क्यों ऐसा ज़रूरत था? जिस दिन मर्डर हुआ अगले दिन जो आप कह रहे थे कि शुरू में ऐसा अगर कुछ कार्य हो रहा था तो इमीडिएटली उनको स्टॉप करना था, लेकिन अगले दिन जैसे ही मर्डर हुआ अगले दिन उसको शुरू करने के लिए ऑर्डर दिया गया पीडब्ल्यूडी को, ये क्यों हुआ? और संदीप घोष ने इसको किया, ऑर्डर दिया, इसका कारण क्या है? क्या उनको पता था क्या होने वाला है, या तो फिर उस बाथरूम में उस रात क्या हुआ था? क्या ऐसा हो सकता है मर्डर के बाद जो लोग ने कुछ काम ये घटना को अंजाम दिया था अपना, वो वहाँ पे हाथ पैर या तो खून जो है वो धो रहे थे? बहुत बड़ी डिटेल्स है, बहुत बड़ा खुलासा आप दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा खुलासा ये है कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी। मैं कुमार कुंदन आपके पास आ रही हूँ, एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर संदीप घोष की तरफ से, जो कि प्रिंसिपल है, जो अभी अरेस्टेड है, जेल में है, अगर उनकी तरफ से पीडब्ल्यूडी को इस तरह से कहा गया कि यहाँ रेनोवेशन कार्य होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? क्राइम सीन था, इसे लॉक किया जाना था इस क्राइम सीन को, और रेनोवेशन का काम क्यों हो रहा है? यानी कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है? देखिए निधि, इसको बहुत गूढ़ तरीके से समझना पड़ेगा। पहली नज़र में आप देखेंगे तो बहुत ही सामान्य सा ये पत्र दिखेगा जिसमें कि यह लिखा हुआ है कि अस्पताल में नीड ऑफ एन आवर है, कि वहाँ पे वॉशरूम और तमाम तरह की चीज़ें सही तरीके से दुरुस्त होनी चाहिए। ये पूरे अस्पताल के लिए है, मैं फिर से इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसा वर्ड लिखा हुआ है उसको देखकर रवि भी जैसा बता रहा है, ये पूरे अस्पताल के लिए है। लेकिन शुरुआत उसी जगह से क्यों होती है जिस जगह पर हत्या हुई थी? मेरा सवाल ये है कि शुरुआत उसी जगह से क्यों होती है रेनोवेशन का जिस जगह पे हत्या हुई थी, और जिस जगह पे हत्या हुई है और जो टॉयलेट है दोनों के बीच की दूरी महज 50 मीटर की है, तो क्यों नहीं इसको हम सबूत छिपाने, सबूत मिटाने और भटकाने की दृष्टिकोण से देखें? अस्पताल में और भी जगह वॉशरूम की प्रॉब्लम है, अस्पताल में और भी तमाम समस्या है, लेकिन अचानक से थर्ड फ्लोर पे ही जाके निधि आप रेनोवेशन का काम शुरू करते हैं, वो भी तब जब पता है कि क्राइम सीन वही हुआ है। तो इंस्टीड ऑफ कि उस प्लेस को आप वहां पे सिक्योर करें, आप बाद में भी रेनोवेशन कर सकते थे वहां, लेकिन वहीं पे आप रेनोवेशन का काम करते हैं, यह इस सामान्य पत्र के असामान्य मंशा को दर्शाता है जिस बात को टीवी 9 भारतवर्ष सबके सामने ला रहा है। पहली नजर में मैं फिर कह रहा हूं निधि, अगर आप इस पत्र को देखें तो एक जनरलाइज्ड लेटर लगता है जो कि पूरे अस्पताल को लेकर किया गया है कि वहां वॉशरूम की स्थिति ठीक नहीं है, और जहां ये डॉक्टरों की मांग है कि इस जगह को ठीक करना चाहिए जहां जहां अस्पताल में वॉशरूम वगैरह ठीक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सबसे पहले उसी जगह जाके क्यों, जिस जगह पे प्लेस ऑफ अकरेंस है, जिस जगह पे बात है कि वहीं पे मर्डर हो सकता है, तो आप पहले वहीं जाके तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं और उसी वॉशरूम को रेनोवेट करना शुरू करते हैं? जो सीबीआई सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, पीड़िता के फिंगरप्रिंट आसपास के एक आध दो कमरों में मिले हैं।
अब आप सोचिए जरा कि निश्चित रूप से जो प्लेस ऑफ अकरेंस है उसके आसपास पीड़िता घूमी होगी, उसके आसपास गई होगी, हो सके वो वॉशरूम में भी गई होगी, हो सके वॉशरूम में कोई और आदमी भी आया होगा, तो तमाम तरह के एविडेंस को तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया एक तरीके से। तो आपने एक सामान्य पत्र लिख के एक असामान्य चीज किया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और यही बात टीवी 9 भारतवर्ष उठा रहा है कि अगर एक लेटर लिख भी दिया आपने तो शुरुआत आपने उस जगह से क्यों किया जिस जगह पे प्लेस ऑफ अकरेंस, यानी मंशा में, उसको तो मंशा में संशय है। बहुत बड़ी बात कुमार कुंदन आप बता रहे हैं, इनकी मंशा में संशय था तभी थर्ड फ्लोर से शुरू किया गया जहां पर सेमिनार हॉल था, जहां पर क्राइम हुआ, जहां पर ये इतना जघन्य अपराध हुआ वहीं से शुरू किया गया टॉयलेट की मरम्मत का काम, ये सवाल उठाता है।